मिनट घर है इसका। अरे वही एक मिनट मिली वेट है, ठंडा कर रही है। हाँ वो ऑरेंज कलर चिड़िया है जिसकी ड्रेस ऑरेंज है। हाँ जी वही स्मॉल मिनी वेट है, फिर से ऑरेंज कलर की चिड़िया है। अच्छा और फिर ऊपर ही उसी पेड़ में देखिए फिर एक और चिड़िया आई है। राणे बोल से लिया मंदिर कसम। हाँ तो ये ये जो स्मॉल मिनी वेच है उसकी फीमेल है जो ऊपर है टॉप में। मेल फीमेल दोनों पैसे क्यों दे रहा हूँ मंदिर का नाम पर लिया है। डबलिंग ना करें क्यों नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करना है तुमको मना तो रहने दो। वहाँ मैडम आ रही है ये वाली में स्मॉल मिली है और इसकी जो फीमेल है जो और ऊपर थी उसमें कोई रंग ऐसा नहीं है ज्यादा कलर की। फुलवर्स ब्रेस्टिक हो गया आपका और स्मॉल मिनी बैठ हो गया। एक पीछे एक और चिड़िया आई है ये वुड पैकर। अच्छा पीछे पीछे लाल सिर वाला तो देखना चाहे तो देख लें। वुड पैकर के पीछे वाले पेड़ पे टॉप में एक तोता बैठा है लाल सिर वाला। ठीक है जल्दी पकड़ना खत्म हो जाएगा। अच्छा उसके पीछे वाले पेड़ पे लाल सिर वाला तोता लाल सिर वाले की जो फीमेल है वो पीली चोंच वाली है। थोड़ा सा चलिए ठीक रहा जिसको दबा दें। पक्षी की तस्वीर डालूंगा ठीक है और जैसे अगर इस टीम का चांस होगा आपने अगर पक्षी का ठीक से आइडेंटिफाई किया आपको 10 अंक अगर गलत किया तो -10 अंक और अगर आपने गलत किया तो दूसरा टीम को पास आउट हो जाएगा और वो गेस कर सकता है। तो हम देखते हैं कि पिछले 2 दिनों में किसने सबसे अच्छा सीखा है। ठीक है बिल्कुल तो दोनों टीम जो है अपने टीमों के नाम सेलेक्ट कर लें। चलो भाई पक्षी का नाम होना चाहिए और इसमें अजय पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हमने कह दिया सब आप ही चाहे अपने अपने नाम तो दो और टीम में आप बैठे हो। हां भाई बहादुर जी ना नहीं ये वाले बात नहीं। हां आपके ये टीम
क्या नाम है कोमल सिंह जी का? ऐसा है थोड़ा अगर मिल के बैठ जाए तो गणेश इसका ओके ये गणेश जी बैठे तो मिल के बैठ जाए ना हां थोड़ी मिल अगर थोड़ा बोल एक साथ में बैठ के बैठ जाए तो फिर थोड़ा बातचीत भी कर सकोगे ये गणेश जी गणेश ये हो गया धनेश आप लोग अपना नाम बोलिए कौन चालू करने वाला है पहला सवाल किसको चाहिए आ जाइए आपके लिए फिर से बता देता हूँ हम क्विज खेल रहे हैं आप कौन से टीम में थे हम मेरे टीम में तो आप इस टीम के साथ जुड़े हैं तो गेम ऐसा है कि मैं 20 पक्षियों की तस्वीर मैंने इकट्ठे की है और दो टीम बन गए हैं आप स्पॉटेड डव की टीम है ये वाली टीम है और ये धनेश वाली टीम है तो अगर इस टीम का चांस होगा मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको किताब में देख के अब दोनों किताब में देख जो भी किताबें हैं सब किताबें में देख सकते हैं मुझे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता जहां भी देखना है तो आपको पक्षी का नाम बताना है अगर आपने गलत नाम भी बताया तो 10 अंक गलत बताया तो -10 और गलत बताया तो दूसरी टीम को मौका मिल जाएगा अगर गलत टीम आंसर करे मतलब अगर इनका टीम का चांस है और इस टीम ने आंसर किया तो आपको माइनस मिलेगा मतलब आपका मौका मिलेगा तभी पहले स्पॉटेड डक को नहीं पहले धनेश को किताब सबके पास है मेरे बातचीत करके बताना चाहिए किसी ने बता दिया और फिर गलत हो गया आपकी टीम हार गई ठीक है अच्छा मुझे एक ये चाहिए होगा क्योंकि ऐसा है कि मैं सबको किसी के पास नोटबुक है इससे बड़े वाली चाहिए ये तो बड़े दिख रहे हैं मिलो आगे बढ़ जा बढ़िया अच्छा तो ये चांस है पहले धनेश का तैयार हो जाना होगा ये पक्षी जो है ये गौरैया से छोटी होती है ठीक है गौरैया से छोटी होती है बताइए क्या है दो मिनट का वक्त मिलेगा लाइफ लाइन नहीं मिलेगी दो मिनट का वक्त मिलेगा आपको गौरैया मैं सही सबको को बताते जाऊंगा कि क्या इसका हाँ डिस्कस करके बताइए कई लोग डिस्कस करते हैं यूरोपियन गोल्डफिश यूरोपियन गोल्डफिश क्या स्पॉटेड डब ठीक बताया उन्होंने दस अंक गणेश को वेरी गुड ठीक है बहुत बढ़िया अब आ गया स्पॉटेड डब की बारी वाह ये धनेश नहीं बोलेंगे हाँ धनेश ने बोला तो आपको माइनस मिलेगा उनका उनकी बारी चांस है उनकी बारी है स्पॉटेड डब वालों की बारी है अगर वो गलत बताएं तब आपको मौका मिलेगा और बातचीत करके बताएं तो अच्छा रहेगा आपके टीम के साथ बातचीत करके बताइए सभी को मिला के बातचीत करके बताएं नहीं बातचीत करके बताइए फाइनल है कौन सा गुड ठीक बताया इन्होंने चलो 10 अंक स्पॉटेड डब को ये तो आसान वाला था ना अब धीरे धीरे थोड़ा अब ऐसा है कि ये आप बर्ड्स को देख रहे हैं ऐसे थोड़ी देखते हैं फील्ड में क्या होता है पक्षी आती है 2 सेकंड देखते हैं वो चली गई तो अब वो करें
ना मतलब ये थोड़ी है कि आप देखते हैं लोग किताब में वो बंदा है ऐसे यार ऐसा तो होता नहीं है ठीक है ना हमने उसमें ऐसा ना आखिर की जो पांच चिड़ी हम कल रैपिड फायर करेंगे नहीं रैपिड फायर तो फटफट ये मैं थोड़ा मतलब लगाऊंगा पांच दस सेकंड के लिए और उसके बाद मैं बंद कर दूंगा क्योंकि ये थोड़ी है कि मतलब बैठी रहेगी ठीक है इतना भी आसान नहीं होना चाहिए बिल्कुल ठीक बात ठीक है धनेश की बारी है ये बताइए आप धनेश ने क्या बताया ओरिएंटल वाइट आई अच्छा बहुत बढ़िया आपने अपने टीम के साथ बात नहीं की थी तो आपको माइनस दस मिल गया आपके टीम के साथ बात करके बताइए अच्छा स्पॉटेड डब आपको गैस करना है जी तो बताइए जल्दी से टाइम थोड़ी है आपके पास ओरिएंटल वाइट है आपकी टीम भी आपने अरे बिल्कुल यार बिल्कुल माइनस होगा अरे पास वाले में भी बिल्कुल माइनस होगा और आप जब एक बार बारी निकल गई तो आपने फिर क्यों बोला माइनस टेन नहीं मिलेगा उसके लिए पर क्या हो गया चेस्टनट टेल बिंडला तो चलो एकदम धनेश ने एकदम मतलब रिकवर कर लिया आपका रिकवर कर लिया इसलिए आपके टीम के साथ बातचीत करके बताइए अकेले कोई नहीं बोलेगा ठीक है सामूहिक रूप से चर्चा करके अब ये जो है ये पक्षी बहुत ही आसान वाली है इसलिए ये आपको बिल्कुल रैपिड फायर ही मिलने वाला है तैयार है ये स्पॉटेड डव की बारी तो मैं तो नहीं बताऊंगा ना नहीं अगर आप वहां बैठे होते आप क्या ये स्पॉटेड डव की बारी है हिमालयन बुलबुल हिमालयन बुलबुल ठीक बताया हिमालयन बुलबुल ठीक है एकदम बराबर का चल रहा है बहुत बढ़िया चलो एक मिनट मुझे पता है कि अगला वाला हिमालयन वाला है वो शायद है नहीं इसमें चेक करना जरूरी है दूसरी बुक भी है सबके पास दूसरी तो नहीं अच्छा तो ये वाला फिर नहीं करना अच्छा ऐसे भी लोग पसंद है किसी को बताओ दूसरे इसके बारे में तो क्या ना ये वाली चलिए धनेश देखा नहीं अच्छा चलो दो सेकंड और फिर से माइनस टेन ठीक है बिल्कुल ठीक है ओरिएंटल वाइट है ये कोई गलती नहीं है किसकी बारी है हमारी बारी है आप इनकी बारी है तैयार है स्पॉटेड डब यस सर धनेश वाले नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी बोलेंगे तो माइनस और ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा एक मिनट का वक्त मिलेगा अगर आप नहीं बता पाएंगे तो दूसरे टीम को पास ऑन होगा Very good. Very good. Very good.
गुड बहुत ये कौन सी टीम थी स्पॉक्स इज गुड तो एकदम बराबर का चल रहा है किसके बारे है चलिए आप गणेश की बारी है गणेश की बारी है ये पक्षी जो है ये गोरैया से छोटी है पर पूंछ इसकी लंबी है और इसकी आवाज जो है ये ती 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 करके आवाज करती है और ये भी मैं बता दूं कि जो तस्वीर किताब में है और जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ वो सेम नहीं नहीं मतलब कहीं सेम है कहीं अलग भी है ये थोड़ी है कि एकदम वही तस्वीर मैंने लगाई हुई है नहीं तो बहुत आसान हो जाता है नाम बताओ आपके लिए ये स्पैरो गोरैया से छोटी पक्षी है पक्षी धूम में बोल दिया तो बोल दिया देखो यार मैं किसी के साथ साइड नहीं लेता अच्छा अब दिनेश आपको लाइफ लाइन चाहिए अगर लाइफ लाइन चाहिए तो मैं एक और बार दिखा सकता हूँ पर अब आप सिर्फ 5 अंक मिलेंगे आपको पास आप नहीं गेस करना चाहते इस टीम को लाइफलाइन चाहिए या क्या गेस कर रहे हो लाइफलाइन चाहिए चलिए देखिए एक बार अगर अगर किताब में नहीं है तो क्विज मास्टर को माइनस पॉइंट मिलता आपको गेस करना है फिर से काफी माइनस के बाद ऐशी प्रीमिया है इसमें एकदम ये प्रीमिया देखो एकदम पतली पूंछ वाली प्रीमिया होती है पतली पूंछ वाली प्रीमिया होती है और पतली पूंछ के साथ लाल आंख हो तो अच्छी हो जाएगी ठीक है अब टर्न किसका है अभी तो मैं भूल ही गया अब इनका गणेश का गणेश का चलो 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 आप ही लो इनको दो रेडी क्योंकि उन्हीं का था उन्हीं से पास ऑन होके आ गया है चलिए वाओ चोंच की रंग देखो बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया
गुड वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी गुड बढ़िया ऑलरेडी तैयार है ऑलरेडी गिव अप कर दिया उन्होंने आपकी बारी तैयार ध्यान से देखना भाई इसकी चोंच की रंग देखो ये देखो और ये देखो बगैन खा रहा है बगैन इसमें रंग कभी कभी थोड़ा बदल भी जाता है पर चलिए बोलिए सब शांत हो गए बोलिए भाई सब शांत हो गए हो गया दिनेश 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 माइनस टेन की पास पास भी कर सकते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा है चलो चलो प्रयास करो सर दो मिनट हो गया चलिए लास्ट फटाफट बताइए फटाफट दो सेकंड में अगर नहीं हुआ है तो पास कर दीजिए दूसरी टीम गेस कर सकती है अच्छी बात अच्छा स्ट्रेटजी उनको माइनस मिलेगा अच्छा चलो जी पास अगले टीम को हाँ जी स्पॉटेड डव आप बताइए स्पॉटेड डव वेरी गुड बहुत बढ़िया स्पॉटेड डव एकदम आगे जा रहा है दानिश बहुत अच्छे देखो स्पॉटेड डव कौन सा नंबर है सर 65 है तो एकदम लाल चोंच लाल पैर सिर ऐसा ये मतलब कभी कभी थोड़ा काला भी लगता है थोड़ा ये डार्क भी होता है थोड़ा लाइट भी होता है बहुत बढ़िया वेरी गुड किसकी बारी है स्पॉटेड डव की ये अब ऐसे वाला होने वाला है फट कर दिया।